मोस होते हैं वो एडवांस्ड मेंबर होते हैं, इनकी जो बॉडी होती है ना इरेक्ट होती है, थैलस लाइक नहीं होती, थैलस नहीं होता, इरेक्ट प्लांट बॉडी होती है। इरेक्ट मतलब कि सीधी होती है, लंबी होती है। मोसिस के अंदर भी दो स्टेज है, उधर तो दो फेज थे, गेमिटोफाइट और स्पोरोफाइट। यहाँ गेमिटोफाइट के भी दो स्टेजेस हैं, पहली स्टेज है प्रोटोनिमा स्टेज, दूसरी स्टेज है लीफी स्टेज। पहले प्रोटोनिमा स्टेज होगी जो गिव राइज टू लीफी स्टेज। प्रोटोनिमा स्टेज क्या होती है, इसकी प्रोस्टेट होती है, स्टार्टिंग में तो ये भी प्रोस्टेट होता है, सोयल के नज़दीक होता है, ग्रीन होता है, ब्रांच्ड होता है, फिलामेंटस होता है, इसीलिए इसको जुवेनाइल गेमिटोफाइट बोलते हैं। जुवेनाइल होता है बच्चा, बच्चे जैसा गेमिटोफाइट है ये जिस टाइम मैच्योर हो जाएगा फिर वो लीफी स्टेज बन जाएगी। जो जुवेनाइल गेमिटोफाइट है, जो प्रोटोनिमा स्टेज है, इसके अंदर क्या होगा कि बहुत सारे बड्स लगेंगे गेमिटोफाइट के ऊपर, प्लांट बॉडी के ऊपर, विच ग्रो इन लीफी स्टेज। जो बहुत सारे बर्ड्स होंगे ना वो लीफी स्टेज के अंदर ग्रो हो जाएंगे, इसीलिए जो ये बर्ड्स है ना ये हेल्प इन वेजिटेटिव प्रोपगेशन। अब बर्ड से लीफी स्टेज तो बन गई, लीफी स्टेज क्या है, इरेक्ट है, ये प्रोस्टेट थी ना, ये इरेक्ट है, स्लेंडर स्टेम लाइक कोलोइड है, स्टेम लाइक है, स्टेम नहीं है, स्टेम लाइक कोलोइड, मेन एक्सिस बियरिंग स्पायरल लीफ लाइक स्ट्रक्चर। ये हो गया कोलोइड, इसके ऊपर ये मेन एक्सिस के ऊपर ना ऐसे लीफ लाइक स्पायरल लीफ लाइक स्ट्रक्चर होगा, और स्पायरल लीफ लाइक स्ट्रक्चर को बोलते हैं फाइलोइड। फिक्स्ड इन सोयल बाय मल्टी सेलुलर ब्रांच राइजोइड, जो लीफी स्टेज है ना उसके ऊपर लगेंगे मल्टी सेलुलर ब्रांच राइजोइड, जो हमने यहाँ पे बात की थी, एम फॉर मल्टी सेलुलर, एम फॉर मोसिस, मोसिस के पास मल्टी सेलुलर राइजोइड्स होते हैं, इसके ऊपर लगते हैं सेक्स ऑर्गन। गेमिटोफाइट है, गेमिटोफाइट के ऊपर सेक्स ऑर्गन लगेंगे, सेक्स ऑर्गन से गेमिट्स बनेंगे, गेमिट्स फर्टिलाइज होंगे, जाइगोट बनेगा, जाइगोट बड़ा होगा तभी तो वो स्पोरोफाइट बनेगा, स्पोरोफाइट टू एन स्टेज होती है। अब मोसिस के अंदर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन दो मेथड से हो सकती है, या तो फ्रेगमेंटेशन से हो सकती है या फिर बर्डिंग इन सेकेंडरी प्रोटोनिमा। लीफी स्टेज को हम सेकेंडरी प्रोटोनिमा भी बोलते हैं, इसके अंदर जिस टाइम बर्डिंग होगी तो भी उसकी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन हो सकती है। एग्जाम्पल है इसके स्फेगनम, पोलीट्राइकम, फ्यूनेरिया। इसकी ट्रिक है SPF, SPF इज़ अ काइंड ऑफ फोर्स, पुलिस फोर्स। अब जो मोसिस है ना उनकी इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस भी बहुत है और इकोलॉजिकल इम्पोर्टेंस भी बहुत है। इकोलॉजिकल मतलब कि वो अर्थ को कैसे बेनिफिट कर रहे हैं, और इकोनॉमिक मतलब कि जो वो इनकम है ना किसी की इनकम को कैसे बेनिफिट कर रहे हैं। हम उन्हें एज फूड काम में ला सकते हैं, मोसिस को फूड मतलब कि जो एनिमल्स हैं, जैसे कि कैनेडियन कुछ स्टेट्स हैं जिनके अंदर बहुत ज़्यादा ठंड होती है, -6 डिग्रीज़, -7 डिग्रीज़ वहाँ का नॉर्मल टेम्परेचर रहता है, तो वहाँ नॉर्मल वेजिटेशंस नहीं हो पाती हैं कई बार, तो वहाँ जो मैमल्स हैं, डियर है या फिर कोई और रैबिट वगैरह है, वो क्या खाएंगे, वो खाते हैं मोसिस को। मोसिस वहाँ बहुत ज़्यादा ऐसे ग्रीनरी होती है तो वो उनको खाते हैं। स्फेगनम सरगासम एल्गे थे, एल्गे था, यहाँ स्फेगनम की बात कर रहे हैं। स्फेगनम इज अ मॉस, स्फेगनम पीट यूज्ड एज फ्यूल। स्फेगनम का जो पिट होता है ना, मतलब कि जिस टाइम वो सूख जाता है उसकी पिट बन जाती है, मतलब ढेर के ऊपर ढेर बन जाते हैं, तो उनको हम ऐसे फ्यूल एज अ फ्यूल यूज़ करते हैं। इसको हम एज पैकिंग मटेरियल भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इनकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है, इसलिए मतलब कि हमें कोई लिविंग थिंग को जिस टाइम ट्रांसपोर्ट करना होता है ना, जैसे लाइक चाइना और इंडिया से ना मीट का स्टॉक जाता है फॉरेन कंट्रीज़ के पास, क्योंकि यहाँ पे लाइव स्टॉक बहुत ज़्यादा है, तो जिस टाइम हम उसको भेज रहे होते हैं उस मीट को, तो वो चांसेस होते हैं कि वो मीट ख़राब हो जाएगा। पर वो मीट ख़राब ना हो, उसके अंदर मॉइस्चर ना आए, मॉइस्चर आएगा तो वो डिके हो जाएगा, तो मॉइस्चर ना आए उसके लिए हम उसको स्फेगनम या फिर किसी और मॉस के अंदर पैक करके फिर भेजते हैं, क्योंकि इसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत अच्छी है। ये रॉक को कॉलोनाइज करते हैं, मतलब रॉक के ऊपर उगता है ये, लाइक लाइकन, लाइकन की तरह, लाइकन की तरह ये रॉक्स के ऊपर उगता है और डिकम्पोज कर देता है रॉक को सोयल बनाने के लिए, और जिस टाइम रॉक की सोयल बन गई फिर उसके ऊपर बड़े प्लांट्स इजीली ग्रो कर सकते हैं।
ये ना सोयल के ऊपर एक डेंस लेयर बना लेते हैं जिससे सोयल इरोजन रुक जाता है, इसलिए इनको सोयल बाइंडर्स भी बोलते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट ब्रायोफाइट्स। लेट्स कम टू टेरिडोफाइट्स। टेरिडोफाइट्स आर फीदर लाइक। टेरिडो मीन्स फीदर। टेरिडो मीन्स फीदर। सो टेरिडोफाइट्स आर फीदर लाइक प्लांट्स जिनको हम फर्न्स बोल देते हैं। मतलब इनका जो मेजर ग्रुप है वो फर्न्स है, जिसके पीछे इनका नाम पड़ा है टेरिडोफाइट्स। इंट्रोडक्शन, ये पहले वास्कुलर प्लांट्स हैं एंड ट्रू लैंड प्लांट्स। पहले वाले जो ब्रायोफाइट्स थे वो बेसिकली प्रॉपर टेरिस्ट्रियल नहीं थे, क्योंकि उन्हें पानी की ज़रूरत पड़ रही थी, इसलिए उन्हें हमने एम्बिगियस प्लांट्स बोला था। ये पहले वास्कुलर प्लांट है। अब तक हमने जो दो टाइप के प्लांट पढ़े, थैलोफाइट्स और ब्रायोफाइट्स, वो दोनों ही नॉन वास्कुलर थे। तो ये वास्कुलर है मतलब इनकी प्लांट बॉडी इरेक्ट होगी। ये फर्स्ट सक्सेसफुल टेरिस्ट्रियल प्लांट थे विद ट्रू रूट्स। इनके पास ट्रू रूट्स थी, रूट्स रूट लाइक जैसा कुछ नहीं था, इनके पास ट्रू रूट थी, ट्रू स्टेम थे, ट्रू लीव्स थी। ओनली क्रिप्टोगैम विद वास्कुलर सिस्टम। जो बाकी क्रिप्टोगैम तीन टाइप के होते हैं ना, थैलोफाइट, ब्रायोफाइट एंड टेरिडोफाइट, तो ये सिर्फ ओनली क्रिप्टोगैम है जिनके पास वास्कुलर सिस्टम है, लेकिन वो भी प्रिमिटिव टाइप का है। एज ऑफ टेरिडोफाइट इज लेट पैलेजोइक इरा। इराज वगैरह के बारे में हम बात इवोल्यूशन के अंदर करेंगे, जो प्लस टू के अंदर चैप्टर आएगा। तो लेट जो पैलेजोइक इरा था वो एज ऑफ टेरिडोफाइट्स थी। इनके 400 जेनरा एंड 11,000 स्पीशीज़ है। इनके जो लीफ होती है, या तो वो स्मॉल हो सकती है या वो लार्ज हो सकती है। स्मॉल है तो वो माइक्रोफिल है। फिल का मतलब ही लीफ होता है। माइक्रो मीन्स छोटा, लीफ फिल मतलब लीफ। स्नेजिलेला, स्नेजिलेला इज़ संजीवनी बूटी जो हनुमान जी भगवान लक्ष्मण के लिए लेकर आए थे। दैट इज़ कॉल्ड स्लेजिनेला। वो टेरिडोफाइट थी। लार्ज मैक्रोफिल, मैक्रो मीन्स बिग, फिल मीन लीफ। नेफ्रोलिस, नेफ्रोलिस इज साइंटिफिक नेम फॉर फर्न। आप यहाँ पे एक फिगर 3.6 अपनी पेज नंबर 22 अपनी बुक का देख लेना, और अगर आप लोग बोलोगे तो मैं फिगर्स के लिए एक सेपरेट वीडियो बना दूंगी। ग्रो इन मॉइस्ट एंड शेडी प्लेसेस, ये भी ब्रायोफाइट्स के तरह मॉइस्ट और शेडी प्लेसेस के अंदर ग्रो करते थे। इनकी लेंथ टॉल ट्रीज जितनी नहीं होती, ये हर्ब शर्ब्स इतने इतने तक ही लिमिटेड होते हैं। बहुत सैप्रोफिटिक एंड गैमेटोफिटिक स्टेजेस होती हैं, लेकिन जो इनकी गैमेटोफिटिक स्टेज होती है ना ब्रायोफाइट्स के अंदर, तो क्या था, गैमेटोफिटिक स्टेज डोमिनेंट थी। बाकी जितने भी आगे प्लांट्स आएंगे, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स, उनके अंदर सैप्रोफिटिक जो 2N स्टेज होती है वो डोमिनेंट होती है। इनके एग्जाम्पल है फर्न्स एंड हॉर्स टेल्स। एक्वेटिक, अगर हम टेरिडोफाइट की बात करें, वो आते एजोला एंड मार्शीलिया। एजोला वो फर्न होती है जो हमें पेडी उगाने के लिए हेल्प करती है। ये पेडी के साथ एसोसिएशन के अंदर आ जाती है और पेडी ग्रोथ इंक्रीज हो जाती है इससे मैनीफोल्ड्स। ज़ीरोफिटिक, ज़ीरोफिटिक वो कंडीशन होती है, डेजर्ट लाइक कंडीशन को हम ज़ीरोफिटिक कंडीशन बोलते हैं। इक्विसिटम आता है उसके अंदर। एपिफिटिक, एपिफिटिक मैंने पीछे बताया था, एपिफिटिक वो टाइप होती है जो दूसरे प्लांट के ऊपर ग्रो करती है, लाइक उनसे न्यूट्रिशन नहीं लेती है पर सिर्फ उनका सपोर्ट लेती है ग्रो होने के लिए, वो है लाइकोपोडियम। हेटरोमॉर्फिक, हेटरो मतलब डिफरेंट, हेटरो मीन्स डिफरेंट, मॉर्फिक मीन्स मॉर्फोलॉजी, जिनकी मॉर्फोलॉजी डिफरेंट है। हेटरोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होती है इनके अंदर, मतलब कि ब्रायोफाइट्स में तो क्या हो रहा था कि एक कंप्लीट, मतलब कि जो गैमेटोफिटिक स्टेज थी वही डोमिनेंट थी ना, जो मतलब कि स्पोरोफिटिक स्टेज का, तो जो 2N स्टेज थी मतलब डिप्लोइड वाली स्टेज थी, उसके अंदर तो सिर्फ डिप्लोइड आया था, स्पोरोफाइट आया था, बाकी उनकी जो कंप्लीट स्टेज थी वो गैमेटोफिटिक थी। या हेट्रोमॉर्फिक है मतलब कि गैमेटोफिटिक भी उतना ही है और सेप्रोफिटिक भी उतना ही है। जो इनका सेप्रोफाइट है वो डिप्लोइड है। सेप्रोफाइट तो हर जगह ही 2N होगा, 2N मतलब डिप्लोइड, डोमिनेंट है,
ब्रायोफाइट में डोमिनेंट नहीं था। इनका कंपैरिजन ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट का हम आगे अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन टॉपिक के अंदर करेंगे। डोमिनेंट है, ऑटोट्रॉफिक है। ऑटोट्रॉफिक मतलब अपना खाना खुद बना सकते हैं। ऑटोट्रॉफिक है तभी तो इंडिपेंडेंट है, ऑटोट्रॉफिक है तभी तो वो फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। जो इनका स्पोरोफाइट है वो डिफ्रेंशिएट होता है रूट, स्टेम और लीफ के अंदर। ब्रायोफाइट्स के अंदर क्या हो रहा था, गैमेटोफाइट डिफ्रेंशिएट हो रहा था रूट लाइक, स्टेम लाइक, लीफ लाइक स्ट्रक्चर के अंदर, लेकिन यहाँ पे स्पोरोफाइट डिफ्रेंशिएट हो रहा है रूट, स्टेम और लीफ के अंदर, ट्रू रूट, स्टेम और लीफ के अंदर। अब जो इनकी रूट है वो जो प्राइमरी रूट होती है ना वो शॉर्ट लीव होती है। जो पहली रूट आई जिस टाइम जो सीड था वो ग्रो किया, ये सीड है ये ग्रो किया, ये पहला स्टेम आया, ये पहली रूट आई। जो ये पहली रूट है ना ये कुछ टाइम के बाद ख़त्म हो जाती है, और ये जो नीचे वाला स्टेम वाला पोर्शन होता है ना यहाँ से कुछ रूट्स ऐसे निकलती हैं, जो जो ये स्टेम से निकलती है ना इन्हें एडवेंटिशियस रूट्स बोलते हैं। तो फर्स्ट प्राइमरी आर शॉर्ट लीव्ड, जो रूट्स होती हैं प्राइमरी वो शॉर्ट लीव्ड होती है एंड सून रिप्लेस्ड बाय एडवेंटिशियस रूट्स। जो इनका स्टेम होता है वो या तो एरियल हो सकता है या अंडरग्राउंड हो सकता है। एरियल मतलब कि जो सोयल के ऊपर हवा में है, मतलब हवा में ये नहीं है कि सोयल से जुड़ा नहीं है, पर सोयल से ऊपर वाली जो चीज़ है, ये सोयल हो गई यहाँ पे, ये हमारा लैंड सरफेस हो गया, इसके जो ऊपर है इसको हम बोलेंगे एरियल। जो इसके नीचे वाली चीज़ है मतलब कि नीचे सोयल के नीचे भी ग्रो हो सकता है इनका स्टेम, वो अंडरग्राउंड हो जाएगा। जैसे कि पोटैटो है वो भी तो एक अंडरग्राउंड स्टेम ही है। स्टेम की मॉडिफिकेशन हम मॉर्फोलॉजी के अंदर पढ़ेंगे। जो इसकी लीव्स होती हैं वो या तो स्केली हो सकती हैं, स्केल जैसी हो सकती है जो कि इक्विसिटम के अंदर है, या सिंपल एंड ससाइल हो सकती है। ससाइल मतलब कि जो मूव ना करे, जो बाकी लीव्स है वो तो फ्लैटर करती है ना हवा में, ऐसे उड़ती हैं, हवा चल रही होती है तो वो लहराती है, ससाइल होती है जो मूव ना करे। अब ऐसी कौन सी लीव्स होगी जो हवा चल रही है तो भी मूव नहीं कर रही, छोटी होंगी ना वो बेसिकली, तो लाइकोपोडियम हो गया। लार्ज हो सकती है एंड पिनेटली कंपाउंड, वो होती है फर्न्स के अंदर। अब पिनेटली कंपाउंड का मतलब क्या होता है, ये एक लीव है हमारी, इसकी जो ये मिडरिब होती है, जो वेन्स बोल देते हैं हम, जो ये बीच वाली है ना इसको बोलते हैं मिडरिब। अगर ये जो लीफ है, बेसिकली एक लीफ है, ये मिडरिब है, इसके अंदर ये यहाँ तक इंसिशन आ जाए और ये वाली चीज़ कट हो जाए यहाँ से, ये फिर इंसिशन आ जाए, फिर कट हो जाए ये वाली लीफ, और ये लीफ ऐसा कुछ बन जाए, मतलब ये लीफ ऐसे छोटी छोटी बन जाए, तो इस टाइप की लीफ को हम, मतलब कि मिड रिब तक इंसिशन कट आया हुआ है, इस टाइप की लीफ को हम बोलेंगे पिनेटली कंपाउंड लीव्स, जो कि मिलती हैं फंस के अंदर। अब जो इनके वस्कुलर प्लांट है तो जाइलम फ्लोएम होगा। तो जाइलम के अंदर सिर्फ ट्रैकीट्स हैं, फ्लोएम के अंदर सिर्फ सीव सेल्स हैं। इनके अंदर सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती, सेकेंडरी ग्रोथ वो ग्रोथ होती है प्लांट की जिसके अंदर उसकी विड्थ बढ़ती है, स्टेम की जो विड्थ है ना, मतलब वो ऐसे चौड़ा हो जाता है, तो वो जो सेकेंडरी ग्रोथ है वो नहीं होती। क्यों नहीं होती, कैम्बियम एब्सेंट होता है। कैम्बियम क्या होता है ये हम एनाटॉमी में पढ़ेंगे। इसकी क्लासिफिकेशन, टेरिडोफाइट को हम कैसे क्लासिफाई करेंगे, इसके चार ग्रुप्स हैं, सिलोप्सिडा, पी साइलेंट सिलोप्सिडा, लाइकोप्सिडा, सिफेनोस्पिडा एंड टेरोप्सिडा, हेयर पी इज ऑल्सो साइलेंट। सिलोप्सिडा के अंदर आता है सिलोटम, लाइकोस्पिडा के अंदर आता है स्लेजिनेना एंड लाइकोपोडियम, स्फेनोस्पिडा के अंदर आता है इक्विसिटम, पटेरोस्पिडा के अंदर आता है ड्रायोपटेरिस, पटेरिस एंड एडियंटम। इसकी इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस क्या है, ये मेडिसिनल पर्पस के अंदर यूज़ होता है। अब अगर एग्जामिनर को हमें ट्रिक करना है तो वो क्वेश्चन किस टाइप से पूछेगा, वो क्वेश्चन इस टाइप से पूछेगा कि मोस्टली जो मेडिसिनल प्लांट है उस ग्रुप के कुछ आप इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बताओ। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स ये हो गए, वो ग्रुप टेरिडोफाइट्स हो गया, ये मतलब कि ब्रायोफाइट्स की तरह ही सोयल बाइंडर का भी काम करता है, डीप लेयर बना लेगा ये जिससे सोयल एरोजन रुक जाएगी, इसलिए सोयल बाइंडर का काम भी करेगा। ऑर्नामेंटल प्लांट है, ऑर्नामेंटल प्लांट्स कौन से होते हैं जो डेकोरेशन के लिए यूज़ हों। डिफरेंस बिटवीन ब्रायोफाइट एंड टेरिडोफाइट, अब डिफरेंस पूछा गया है हमें ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट के बीच का, तो हम क्या डिफरेंस देंगे, इनका मेन डिफरेंस क्या हो सकता है।
बेसिकली एक वस्कुलर है, दूसरा नॉन वस्कुलर है, एक एम्बिगियस प्लांट है, एक ट्रू टेरिस्ट्रियल प्लांट है। दूसरा, एक के अंदर स्पीशीज कम है, एक के अंदर स्पीशीज ज़्यादा है। एंड एक के जो स्पोरोफाइट है, मतलब जो ब्रायोफाइट का स्पोरोफाइट है, वो इंडिपेंडेंट नहीं है, वो डिपेंडेंट है। जो टेरिडोफाइट का स्पोरोफाइट है वो इंडिपेंडेंट है। और एक के अंदर हैप्लोन्टिक लाइफ नहीं, दोनों के अंदर ही हेटरोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन है, तो ये डिफरेंस नहीं होगा। एक के अंदर ट्रू रूट स्टेम और लीफ है, दूसरे के अंदर नहीं है, तो ये इनके मेजर डिफरेंस है। नेक्स्ट हम आते हैं जिम्नोस्पर्म्स के ऊपर। ये फोर्थ ग्रुप है। जिम्नो मीन्स नेक्ड, स्पर्मा मीन्स सीड। टेरिडो तक कोई सीड नहीं बन रहा था, टेरिडो में सिर्फ स्नेजिनेला के अंदर थोड़े बहुत सीड्स बने थे, माना जाता है ऐसा। वहाँ से सीड बनने शुरू हुए थे क्योंकि वो हेटरोस्पोरिक थे, वो दो टाइप के स्पोर प्रोड्यूस करते थे, जिससे सीड बनने की जो प्रोसेस थी वो शुरू हुई थी। बट जिम्नोस्पर्म के अंदर पहला सीड बना था, ये माना जाता है। पर जो वो सीड थे ना, वो नेक्ड थे, मतलब कि वो फ्रूट वॉल या किसी ओवरी के अंदर इनक्लोज नहीं थे, वो अकेले सिर्फ सीड्स थे। लाइक जैसे हम एप्पल खाते हैं, एप्पल के बीच में ऐसे जो ये सीड आते हैं, ये एप्पल हो गई, हम ये पार्ट खाते हैं, ये जो बीच में सीड होते हैं ना, ये हम नहीं खाते। तो ये जो पार्ट है ये इसको कवर करके रखता है, इसलिए ये एप्पल है वो एंजियोस्पर्म्स के अंदर आती है। एनजियो मीन्स कवर्ड, इनक्लोज्ड, बट जिम्नो मीन्स नेक्ड, नेक्ड सीड होते हैं इसके अंदर। इसके इंट्रोडक्शन के बारे में बात करते हैं। 70 जेनरा है, 1000 लिविंग स्पीशीज इन वर्ल्ड। इंडिया के अंदर 16 जेनरा मिलते हैं इसके, और 53 स्पीशीज मिलती है। ये एवरग्रीन होती है, मतलब साल के हर टाइम, मतलब कि ये नहीं है कि 3 4 महीने दे विल लीव, दे विल कंप्लीट देयर साइकिल एंड देन डाई। नो, दे विल बी फाउंड एवरग्रीन एवरी ईयर, कंप्लीट ईयर। शब्स हो सकती है, मतलब कि छोटे प्लांट्स हो सकते हैं, एंड वुडी ट्रीज, बहुत लंबे लंबे प्लांट्स भी हो सकते हैं। प्रिमिटिव ग्रुप ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, ये फ्लावरिंग प्लांट का प्रिमिटिव ग्रुप है। प्रोड्यूसिंग नेक्ड सीड्स, नेक्ड सीड्स नॉट कवर्ड बाई फ्रूट, दैट इज ओवरी। ये भी वस्कुलर है, वस्कुलर टेरिडोफाइट से शुरू हो गया था। ये फिनैरोगैम्स है, पहली बात, फिनैरो मतलब कि विजिबल, सीड्स विजिबल हैं इसके, वस्कुलर है। जाइलम के पास ट्रैकीड्स है, फ्लोएम के पास सीव सेल्स है। अब जो इसकी प्लांट बॉडी है, अब बताया था ना, ब्रायोफाइट के बाद सबकी जो स्पोरोफाइट थी वो डोमिनेंट बन गई थी, वो स्पोरोफाइट हमेशा ही डिप्लोइड होती है, 2N जो हम देखते हैं वो स्पोरोफाइट ही होता है, बट ब्रायोफाइट का गेमिटोफाइट दिखता है हमें, जो N है। स्पोरोफाइट के पास, इसके पास रूट है, स्टेम है, लीव्स है। इसकी जो रूट है वो टैप रूट सिस्टम है, मतलब जो इसकी प्राइमरी रूट्स है वो जिंदा रहती है, ख़त्म नहीं होती। सिम्बायोटिक एसोसिएशन बना लेती हैं इसकी रूट्स, कोरोलॉइड रूट्स ऑफ साइकस विद ब्लू ग्रीन एल्गे। ब्लू ग्रीन एल्गे के साथ जो साइकस की रूट्स है ना, वो एसोसिएशन बना लेती है, सिम्बायसिस कर लेती हैं, और उन रूट्स को बोलते हैं कोरोलॉइड रूट्स। ये रूट्स ऐसा क्यों करती हैं, और एल्गे को इतनी क्या पड़ी है कि साइकस की रूट्स के साथ एसोसिएशन बना लिया। जो साइकस खाना बनाएगा ना, इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च और अदर थिंग्स, वो ब्लू ग्रीन एल्गे को मिलेगा, और ब्लू ग्रीन एल्गे बदले में साइकस को क्या देगा, ब्लू ग्रीन एल्गे बदले में साइकस को सोयल से ना दूर दूर से ला के न्यूट्रिशन देगा। ऐसे ही पाइनस की जो रूट्स है ना, वो इंडोफाइटिक फंगी के साथ एसोसिएशन बना लेती हैं, जिसको माइकोराइजिया बोलते हैं। जो इसका स्टेम है, इरेक्ट होगा, मतलब लंबा होगा, सीधा होगा, इरेक्ट मतलब सीधा होगा। एरियल, एरियल क्या होता था, मैंने बताया था ना, सोयल से ऊपर एरियल, नीचे है तो अंडरग्राउंड। सोलिड होगा, होलो नहीं होगा, सिलेंड्रिकल होगा। सेकेंडरी ग्रोथ होगी जिम्नोस्पर्म्स के अंदर, क्योंकि उनके अंदर कैम्बियम है। टेरिडो के अंदर सेकेंडरी ग्रोथ क्यों नहीं हो रही थी, क्योंकि अंदर उनके अंदर कैम्बियम नहीं था। अगर स्टेम ब्रांच्ड है तो वो कॉनिफर्स के अंदर होगा, अनब्रांच्ड साइकस के अंदर होगा। अब जो लीव्स हैं वो डायमॉर्फिक लीव्स होती हैं इसकी। डायमॉर्फिक मतलब डाई मतलब टू, मॉर्फी मतलब
मॉर्फिक मतलब मॉर्फोलॉजी, दो तरह की दिखने वाली लीव्स होती है, एक फोलिएज लीव एक स्केल लीव्स। फोलिएज लीव ग्रीन होती है, सिंपल निडल लाइक हो सकती है या पिनेटली कंपाउंड। पिनेटली कंपाउंड मैंने बताया था ना क्या होता है। स्केल लीव्स स्मॉल होती है, मेम्ब्रेनस होती है, ब्राउन कलर की होती है। स्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड बाय माइक्रोस्पोरोफिल या मेगा स्पोरोफिल। माइक्रोस्पोरोफिल मेल के अंदर होता है, मेगा स्पोरोफिल फीमेल के अंदर होता है। फिल होता है लीफ, स्पोर प्रोड्यूस करने वाली लीफ, वो अगर स्पोरोफिल है स्पोर प्रोड्यूस करने वाली लीफ, और अगर वो मेगा स्पोर प्रोड्यूस कर रही है तो वो फीमेल है, और माइक्रोस्पोर प्रोड्यूस कर रही है तो वो फीमेल है। इकोनॉमिक इम्पोर्टेंट या ऑर्नामेंटल है, अगर ऑर्नामेंटल प्लांट्स की बात करें तो उसका एग्जांपल साइकस है। पाइनस से हमें मिलता है पाइन वुड, टर्पेंटाइन ऑयल एंड पाइन रेजिन। रेजिन होती है गम। गिंको बायलोबा एक लिविंग फॉसिल है जो जिम्नोस्पर्म के अंदर आता है। इट इज़ अ टाइप ऑफ प्लांट जो कि जापान जैसे कंट्री के अंदर जिसकी पूजा की जाती है। लिविंग फॉसिल वो होता है जिसके जो फॉसिल मिले और जो अब प्रेजेंट के अंदर है वो सेम सेम दिखते हैं एग्जैक्टली, और ज़्यादा उनके फॉसिल मिले हैं और वो कम अमाउंट में रह चुके हैं, उनको हम लिविंग फॉसिल बोलेंगे। साइज़ वेरिएशन आते हैं इनकी ट्रीज़ के अंदर, कोई तो शब्स था कोई वुडी ट्री था, तो साइज़ वेरिएशन कैसे है। जो इसका सीक्वा ट्री है वो टॉलेस्ट लिविंग प्लांट है अर्थ के ऊपर, उसको हम दूसरे नाम से बुलाते हैं कोस्ट रेड वुड ऑफ कैलिफोर्निया। जो वो सीक्वा ट्री है, जो लार्जेस्ट ट्री है ना, वो कैलिफोर्निया के अंदर है और उसका कॉमन नेम है कोस्ट रेड वुड। ये 366 फीट लंबा है। अब जिसकी सबसे ज़्यादा गर्थ है, गर्थ मतलब विड्थ है, जिसका स्टेम सबसे ज़्यादा चौड़ा है वो 125 फीट चौड़ा है, वो है टेक्सोडियम म्यूक्रोनेटम। और जो जेमिया है वो स्मॉलेस्ट जिम्नोस्पर्म है, ये सिर्फ 8 सेंटीमीटर का है। अब हम आते हैं नेक्स्ट ग्रुप पे, एंजियोस्पर्म्स के बारे में बात करते हैं। एंजियो का मतलब ही इनक्लोज्ड होता है, जिम्नो का मतलब था नेक्ड, एंजियो मतलब इनक्लोज्ड, मतलब कि इनके जो सीड्स होंगे वो ओवरी या फ्रूट वॉल के अंदर इनक्लोज्ड होंगे। ये फर्दर डिवाइडेड है मोनोकोट और डायकोट के अंदर। इंट्रोडक्शन की बात करें तो ये सबसे एडवांस है, तक जितने भी हमने प्लांट ग्रुप पढ़े हैं उनके अंदर सबसे एडवांस है, और इसका डायकोट जो है वो सबसे ही ज़्यादा एडवांस है। सीड इनक्लोज्ड विद इन द फ्रूट, देयरफॉर एंजियोस्पर्म। हाईली इवॉल्व्ड, प्राइमरली एडेप्टेड टू टेरेस्ट्रियल हैबिटेट, मतलब मोस्टली टेरेस्ट्रियल एरिया में ही मिलते हैं। वेरी इन साइज, साइज के अंदर वेरी करते हैं। हेट्रोट्रॉफिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, टेरिडो से अब तक सबकी हेट्रोट्रॉफिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन ही है, और सबका जो स्पोरोफाइट है मतलब 2n स्टेज है, मतलब कि जो डिप्लॉयड स्टेज है वही इंडिपेंडेंट है, और जो गैमेटोफाइट है उसके ऊपर डिपेंडेंट है। ब्रायोफाइट का बिल्कुल इससे उल्टा था। नाउ जो इसकी स्पोरोफाइट स्टेज है वो डिप्लॉयड है, डोमिनेंट है, ऑटोट्रॉफिक है, ऑटोट्रॉफिक मतलब फोटोसिंथेटिक है, और इंडिपेंडेंट है। जो इसकी गैमेटोफिटिक स्टेज है, मेल है या फीमेल है वो गैमेटोफाइट, जो मतलब कि गैमेट प्रोड्यूस करेंगे वो ऑर्गन, उनको गैमेटोफाइट बोल रहे हैं। वो ऑर्गन क्या होंगे, फ्लावर के अंदर जो कि मतलब एंथ्रीडिया है या फिर आर्किगोनिया है, वो है गैमेटोफाइट, मेल और फीमेल। वो रिसेसिव हैं, हैप्लोइड है, डिपेंड करते हैं स्पोरोफाइट के ऊपर। अब फ्लावर जो लगा है वो पूरी प्लांट बॉडी के ऊपर ही लगा है ना, जो पूरी प्लांट बॉडी है वो 2n है, डिप्लॉयड है, उसके ऊपर ही तो डिपेंड कर रहा है वो फ्लावर खाने पीने के लिए। हेट्रोस्पोरस होते हैं, दो टाइप के स्पोर प्रोड्यूस करते हैं, माइक्रोस्पोर या मेगा स्पोर। यहाँ पे स्पोर n है, स्पोर n होते हैं। माइक्रोस्पोर पोलन, माइक्रोस्पोर क्या होते हैं एनजीओ के अंदर, माइक्रोस्पोर पोलन होते हैं, जो पोलन होते हैं ना वो होते हैं माइक्रोस्पोर। फॉर्म्ड इन माइक्रोस्पोरेंजिया, माइक्रोस्पोरेंजिया क्या हुआ, एंथर, किसके अंदर प्रोड्यूस होते हैं, स्पोर एंथर के अंदर। माइक्रोस्पोरेंजिया डेवलप इन हाईली स्पेशलाइज्ड माइक्रोस्पोरोफिल, दैट इज स्टेमन, ये स्टेमन होगा, दिस इज स्टेमन।
ये इसका एंथर है। एंथर के अंदर पोलन प्रोड्यूस हो रहे हैं। स्टेमन इज माइक्रोस्पोरोफिल, एंथर इज माइक्रोस्पोरेंजिया एंड पोलन इज माइक्रोस्पोरोफिल माइक्रोस्पोर्स। ऐसे मेगास्पोर फॉर्मड इन मेगास्पोरेंजिया, मेगास्पोरेंजिया इज ओव्यूल्स, मेगास्पोर इज ओवरी एंड माइक्रोस्पोरेंज मेगास्पोरेंजिया किसके ऊपर लगा होगा, मेगास्पोरोफिल के ऊपर जो कि कार्पल है। जैसे मेल का स्टेमन है वैसे फीमेल का कार्पल है। अब फ्लावर के चार वॉल्स होते हैं, दो असेंशियल होते हैं दो नॉन असेंशियल होते हैं। जो असेंशियल होते हैं वो रिप्रोडक्शन में पार्ट लेंगे इसलिए उनको असेंशियल बोला गया है, दैट इज माइक्रोस्पोरोफिल एंड मेगास्पोरोफिल जो हमने बात किया था। माइक्रोस्पोरोफिल इज एंड्रोशियम दैट इज स्टेमन एंड मेगास्पोरोफिल इज गाइनोशियम दैट इज फीमेल पार्ट दैट इज कार्पल। अब जो दो नॉन एसेंशियल वर्ल है वो एसेसरी वर्ल है। एसेसरी मतलब कि जो सिर्फ डेकोरेशन के लिए है, प्रोटेक्शन के लिए। कैलेक्स सेपल ये प्रोटेक्शन के लिए होता है, ये फर्स्ट वर्ल होता है। कोरोला पेटल्स ये अट्रैक्शन के लिए होता है ताकि बीज वगैरह या फिर बर्ड्स वगैरह आए अट्रैक्ट होके और पोलिनेशन करके जाएं, ये इसलिए होता है। ये सेकेंड वर्ल होता है, ये दोनों थर्ड और फोर्थ वर्ल होते हैं। वुल्फिया स्मॉलेस्ट एंजियोस्पर्म है, ये 1 mm साइज का होता है। यूकिलिप्टस इज अ स्पीशीज जो एंजियोस्पर्म में टॉलेस्ट होती हैं, ओवर 100 meters इनकी हाइट जा सकती है। एनजियो डिवाइडेड इनटू टू क्लासेस, जो डायकोट और मोनोकोट है वो क्लासेस हैं। डायकोट मोनोकोट, डायकोट दो कोटिलीडन होते हैं इसके एम्ब्रियो के अंदर, मोनोकोट सिंगल कोटिलीडन होता है इसके एम्ब्रियो के अंदर। डायकोट में टैप रूट सिस्टम होती है, मतलब कि इसकी प्राइमरी रूट स्टे करेगी। इसके अंदर एडवेंटिशियस रूट सिस्टम होती है, मतलब कि प्राइमरी रूट चली जाएगी, उसके बाद स्टेम के नीचे से ग्रो होनी फाइबर लाइक रूट शुरू हो जाएंगी। इसकी ब्रांच स्टेम होती है, इसकी रेयरली ब्रांच होती है। इसकी रेटिकुलेट वेनेशन होती है, रेटिकुलेट मैंने पहले बताया था जो नेटवर्क लाइक को, इसकी वेन्स ऐसी होगी ना, विनेशन मीन वेन, जो लीफ के अंदर जो वेन्स होती हैं वो ऐसी होती हैं। जो मोनोकोट के लीव्स के अंदर जो वेन्स होती हैं वो ऐसी सीधी सीधी होती हैं, इसीलिए पैरेलल वेनेशन। इसके जो फ्लावर की सिमिट्री होती है, मतलब कि या तो इसके पेटल ऐसे 4 मिलेंगे फ्लावर के पेटल, या इसके पेटल 5 मिलेंगे। मोनोकोट के फ्लावर के पेटल 3 मिलेंगे या फिर 3 के मल्टीपल मिलेंगे, मतलब कि 6 मिलेंगे। इसके भी ऐसी या 4 मिलेंगे या 4 के मल्टीपल मिलेंगे, मतलब 8 मिलेंगे, या 5 के मल्टीपल मतलब 10-15 ऐसे मिलेंगे। इधर मिलेंगे तो 3 के मल्टीपल मिलेंगे। इसके जो वस्कुलर बंडल होते हैं वो कॉन्जॉइंट कोलेटरल और ओपन टाइप होते हैं। ओपन टाइप वो होते हैं जिनके अंदर कैम्बियम प्रेजेंट होता है, ठीक है। कॉन्जॉइंट और कोलेटरल का मतलब हम एनाटॉमी में पढ़ेंगे। इसके वस्कुलर बंडल जो होंगे वो कॉन्जॉइंट कोलेटरल और क्लोज टाइप होंगे, मतलब कि कैम्बियम नहीं होगा। कैम्बियम इज प्रेजेंट, कैम्बियम इज एब्सेंट। अब हमें पता है कैम्बियम जहाँ जहाँ होता है, जैसे जिम्नोस्पर्म के अंदर था और एंजियोस्पर्म्स के डायकोट्स के अंदर है कैम्बियम, तो उनके अंदर सेकेंडरी ग्रोथ होगी। तो हमें पूछ लिया जाता है सेकेंडरी ग्रोथ किस किस के अंदर होगी, तो वो सेकेंडरी ग्रोथ जिम्नोस्पर्म्स के अंदर होगी और एनजियो के डायकोट्स के अंदर होगी, मोनोकोट्स के अंदर नहीं होगी क्योंकि कैम्बियम एब्सेंट है। इसका एग्जाम्पल हेलियंथस एनस सनफ्लावर, हिबिस्कस रोजा सिनेसिस चाइना रोज, जियामेस मेज, सोरगम वल्गारे दैट इज जोआर। अब हम बात करते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन के बारे में। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन बेसिकली होता क्या है, स्पोरोफाइट बॉडी होती है 2N, जो मोस्टली जितने भी हम प्लांट्स देखते हैं ना, जो हमें दिख रहा होता है जो ग्रीन वाला या ब्राउन वाला पार्ट, जो लीव्स वगैरह हमें दिख रही होती है, वो स्पोरोफाइट होती है, वो डिप्लॉयड होती है, 2N होता है। सिर्फ ब्रायोफाइट्स को छोड़ के, ब्रायोफाइट्स के अंदर हमें गेमिटोफाइट दिख रहा होता है, बेसिकली स्पोरोफाइट है। इसके जो सेल है उनके अंदर मियोसिस होगी, उन सेल्स के अंदर जो मैंने बताया था मियोसिस मतलब रिडक्शन डिवीजन, उनका क्रोमोसोम हाफ हो गया, 2N से ये N हो गया, हैप्लोइड सेल बन गए। ये डिप्लोइड था तो हैप्लोइड हो गया मियोसिस होने के बाद। हैप्लोइड के बाद जो ये सेल्स है, हैप्लोइड सेल है, ये माइटोटिकली डिवाइड करेंगे। माइटोटिकली मतलब रिडक्शन नहीं होगी, क्रोमोसोम सेम ही रहेंगे, मतलब N का N ही रहेगा।
जब डिवाइड किए तो बहुत सारे हो गए, बहुत सारे हो गए तो वो जब इकट्ठा हुए तो वो गैमेटोफाइट बन गए। गैमेटोफाइट, गैमेटोफाइट के ऊपर अब मेल और फीमेल गैमिट्स लगेंगे ना, मेल और गैमिट, फीमेल गैमिट लगे, ये एन है, इनकी आपस में फर्टिलाइजेशन हुई, फर्टिलाइजेशन हुई तो दो एन जब जुड़े तो टू एन बना, जाइगोट बन गया। जाइगोट के अंदर माइटोसिस हुई, जाइगोट माइटोसिस वो होती है जिसके अंदर क्रोमोसोम नंबर सेम रहते हैं, मतलब टू एन का टू एन रहता है लेकिन वो नंबर में बढ़ जाते हैं, मतलब एक से दो हो जाते हैं, तो माइटोसिस हुई तो वो स्पोरोफाइट बन गया। तो ये एक जो कंप्लीट साइकिल है, स्पोरोफाइट से गैमेटोफाइट, गैमेटोफाइट से स्पोरोफाइट जो बन रहा है उसको हम अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन बोल रहे हैं। जनरेशन, एक जनरेशन है स्पोरोफाइट, एक जनरेशन है गैमेटोफाइट। स्पोरोफिटिक एंड गैमेटोफिटिक जनरेशन जर्नी अकर अल्टरनेटली इन द लाइफ साइकिल ऑफ अ प्लांट। दिस फिनोमिना इज कॉल्ड अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। जो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन है ना, ये ब्रायोटेरिडो में तो साफ साफ दिखती है कि हाँ एक बार स्पोरोफाइट बन चुका है, अब गैमेटोफाइट बन चुका है। बट एनजियो और जिम्नो के अंदर ना जो गैमेटोफाइट होता है वो बहुत ज़्यादा छोटा हो जाता है, लाइक जो स्टेमन है या फिर जो कार्पल है वो हमें फ्लावर के अंदर ऐसे बहुत ज़्यादा क्लियरली नहीं दिखते ना, माइक्रोस्कोप से दिखते हैं, इज़ मच रिड्यूस्ड। बट इन एनजियो एंड जिम्नो गैमेटोफाइट इज़ मच रिड्यूस्ड एंड एग्जिस्ट विद इन द स्पोरोफाइट, और स्पोरोफाइट के ऊपर ही लगता है वो, इसलिए जो ये अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन वाला प्रोसेस है ये हम क्लियरली नहीं देख पाते एनजियो जिम्नो के अंदर। इन एल्गे ऑल थ्री टाइप ऑफ अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, एल्गे के अंदर तीनों टाइप की अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होती है। वो तीन टाइप क्या है, हैप्लोन्टिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, डिप्लोन्टिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन एंड हैप्लोडिप्लोन्टिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। हैप्लोन्टिक साइकिल होता है जहाँ माइटोटिक डिवीज़न सिर्फ डिप्लोइड सेल के अंदर होती है, माइटोटिक डिवीज़न सिर्फ जाइगोट के अंदर होगी, जाइगोट 2n था, इसके अंदर माइटोटिक डिवीज़न हुई, माइटोटिक मतलब मियोसिस हुई, मियोसिस जिस टाइम हुई तो ये फिर से n के अंदर चेंज हो गया, अब पूरी लाइफ साइकिल ये n में निकालेगा, फिर से जिस टाइम मेल और फीमेल आके फर्टिलाइज करेंगे जाइगोट बनेगा और तभी की तभी दोबारा से मियोसिस होके ये n बन जाएगा। गैमेट्स फॉर्म्ड थ्रू मियोसिस आर हैप्लोइड इन नेचर। अब पूरी जो लाइफ साइकिल है एन से निकाल रहे हैं तो इसके जो गैमेट्स बनेंगे वो अभी एन से बनेंगे तो वो मियोसिस से बनते हैं। दिस इज डिप्लोन्टिक लाइफ साइकिल, आई एम सॉरी फॉर द मिस्टेक, हम ये हम डिप्लोन्टिक लाइफ साइकिल के बारे में बात कर रहे हैं। इसके अंदर जो मियोसिस होगी ये पूरी लाइफ साइकिल 2n के अंदर गुजारेगा, और मतलब कि जाइगोट बना, जाइगोट के बाद फिर से मियोसिस हुई, सारा कुछ मियोसिस हो रहा है, लेकिन जो गैमिट्स बनेंगे ना उस टाइम सिर्फ मियोसिस होगी और उस टाइम सिर्फ एन बनेगा। ये मोस्टली एनिमल्स और एल्गे के अंदर यूज़ होता है, इवन प्लांट्स के अंदर भी, जो मोस्टली प्लांट्स हैं टेरिडो, जिम्नो और एंजियो, उनके अंदर भी डिप्लोन्टिक लाइफ साइकिल होगा। हैप्लोन्टिक लाइफ साइकिल के अंदर मिटोसिस अकर इन हैप्लोइड सेल, जो हैप्लोइड सेल है एन है वो माइटोसिस से, और हाफ तो कर नहीं सकते ना, एन बाय टू तो कुछ नहीं होता, इसलिए माइटोसिस होती जा रही है। जो गैमेट्स बन रहे हैं वो भी माइटोसिस से बन रहे हैं। जाइगोट सिर्फ अकेली स्टेज है जहाँ पर 2n है, इसका एग्जाम्पल है फंगाई एंड एल्गे। हैप्लोडिप्लोन्टिक मतलब एन भी इक्वल है, 2n भी इक्वल है, मतलब आधी लाइफ n में गुजार रहा है वो, आधी लाइफ 2n में गुजार रहा है। माइटोसिस इन बोथ हैप्लोइड एंड डिप्लोइड सेल्स हैव मल्टी सेलुलर एंड हैप्लोइड गैमेटोफाइट, उनका जो गैमेटोफाइट होता है वो भी मल्टी सेलुलर एंड हैप्लोइड होता है, और जो स्पोरोफाइट होता है वो भी मल्टी सेलुलर एंड डिप्लोइड होता है। ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स एंड सम एल्गे आर एग्जाम्पल्स। अब ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट दोनों के पास मल्टी सेलुलर गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट तो हैं, एक का हैप्लोइड है डिप्लोइड है, हाफ हाफ लाइफ साइकिल में आ रहा है, पर इनके अंदर फ़र्क क्या है, जो ब्रायोफाइट है उसका जो गैमेटोफाइट है वो डोमिनेंट होता है, बट जो टेरिडोफाइट है उसका जो स्पोरोफाइट होता है वो डोमिनेंट और इंडिपेंडेंट होता है। अब टेरिडोफाइट के अंदर दोनों ही, गैमेटोफाइट भी और स्पोरोफाइट भी, दोनों ही इंडिपेंडेंट होते हैं, बट जो गैमेटोफाइट है ब्रायोफाइट का सिर्फ वही इंडिपेंडेंट होता है। तो जो इंडिपेंडेंट है मतलब अपना खाना खुद बना सकता है वो फोटोसिंथेटिक है, यहाँ भी इंडिपेंडेंट है तो फोटोसिंथेटिक है, ये भी इंडिपेंडेंट है तो फोटोसिंथेटिक है।
अब जो स्पोरोफाइट है वो तो सबका ही डिप्लोइड होता है, इसका भी डिप्लोइड होगा, इसका भी डिप्लोइड होगा। गेमिटोफाइट होता है वो सबका हैप्लोइड होता है, इसका भी हैप्लोइड होगा, इसका भी हैप्लोइड होगा। ये थैलोइड या इरेक्ट दोनों हो सकता है, ये इरेक्ट होगा जो हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। ब्रायोफाइट का जो स्पोरोफाइट है वो शॉर्ट लिव्ड होता है, मल्टी सेलुलर होता है, टोटली और पार्शली डिपेंड करता है, या तो कम्प्लीटली डिपेंड करेगा या पार्शली डिपेंड करेगा गेमिटोफाइट के ऊपर खाने और फूड के लिए। लेकिन जो टेरिडोफाइट है उसका इंडिपेंडेंट होता है, इसलिए अपना खाना खुद बना सकता है और वस्कुलर प्लांट बॉडी होती है ये। अब बात कर लेते हैं कुछ क्वेश्चंस के बारे में जो आपकी बुक में दिए गए हैं। कैन यू टेल वाले क्वेश्चंस यू कैन ईजिली सॉल्व नाउ, एंड सम ऑफ द क्वेश्चंस आई हैव ऑलरेडी आंसर्ड।